नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दुर्घटना में घायल एएसआई की उपचार के दौरान मौत हुई। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर परशुराम चौक के निकट रविवार तड़के एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराती हुई सड़क किनारे पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए दिल्ली पुलिस में कल्याणपुरी थाने में तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह की सोमवार को उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि कार सवार अन्य मामूली रूप से घायल हो गए थे। मंगलवार को शिकारपुर पुलिस ने मृतक एएसआई वीरेंद्र सिंह के कार ड्राइवर मनोज पुत्र भूरे निवासी गांव मौजपुर जिला बदायूं को परशुराम चौक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया, ड्राइवर मनोज ने पूछताछ में बताया कि एएसआई के साथ लगभग अन्य तीन लोग और थे, दिल्ली से बदायूं जा रहे थे। रास्ते में बुलंदशहर में शराब पी और खाना खाया, उसके बाद कार जैसे ही मेरठ बदायूं हाईवे शिकारपुर के पास पहुंची तो मुझे नींद की झपकी आ गई। इतने में ही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराती हुई सड़क किनारे पलट गई। बुलंदशहर संवाददाता जुर्गाम हैदर की रिपोर्ट।